हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेड्यूरा। आइए देखते हैं कल मींस 14 सितंबर को मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं फ्रिक्वेंट अपडेट्स देते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के डेली एनालिसिस पर। अभी देखते हैं निफ्टी का क्या है आपके सामने डेली चार्ट। तो अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे, एक बड़ा फॉल आया, उसके बाद मार्केट ने शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है और अभी कहीं ना कहीं एक बाइंग देखने को मिल रही है मार्केट में। अगर आप फ्राइडे का क्लोजिंग देखेंगे तो फ्राइडे के दिन सेलिंग भी है, लेकिन एक ठीक ठाक बाइंग के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अच्छी चीज़ यह है कि मार्केट ने 11,450 जिस लेवल का हम वेट करते हैं उससे ऊपर क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस दिख रही है। ओके, बट मार्केट में न्यूज़ है, इंडिया चाइना का न्यूज़ भी चल रहा है, तो थोड़ा केयरफुल होकर हमें अपना प्लान बनाना है। तो हम लोग हमारा जो प्लान बनाते हैं बाय साइड सेल साइड दोनों बनाते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो चलिए देखते हैं हमारा निफ्टी का कल का क्या प्लान हो सकता है। यह आपका निफ्टी का 30 मिनट चार्ट और इसमें आपके सामने आपका प्लान क्या करना है। कल निफ्टी में 11,480 से लेकर 11,495, ये जो 15 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपको मार्केट को वॉच करना है। और अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता है इस जोन से, तो आप 11,530 एंड 11,580 के लेवल टारगेट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर प्राइस वीक रहता है और जोन से नीचे रहता है, तो हम 11,420 एंड 11,360 के लेवल टारगेट कर सकते हैं। अभी अगर प्राइस ने आपको डायरेक्ट जोन से ऊपर ओपनिंग दिया, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर जोन से ऊपर ओपनिंग दिया तो हम फर्स्ट फ्यू मिनट्स देखते हैं, 5 मिनट्स, और अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो हम जोन को एक एज ए सपोर्ट वॉच करते हैं कि जोन से वापस बाइंग आती है नहीं। अगर आती है तो हम 11,530 11,585 लेवल टारगेट कर सकते हैं। अगेन आप जब फर्स्ट टारगेट पर पहुंचे तो आपको प्राइस एक्शन को फिर से वॉच करना रहेगा। अगर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिलता है तो सेकंड लेवल के लिए जाइए, अदरवाइज आप फर्स्ट टारगेट पर भी अपना पोजिशन क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से भी प्राइस रिवर्स हो सकता है। ओके, अभी ऑन द अदर हैंड अगर डाउन साइड हमें नीचे ओपनिंग मिलता है, तो हम फर्स्ट 5 मिनट देखेंगे, प्राइस ऊपर आता है तो अगेन हम जोन को रेजिस्टेंस मान के यहाँ से प्राइस रिजेक्शन या प्राइस ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर खुलते ही प्राइस नीचे की ओर नहीं होता है, तो हमारा फर्स्ट लेवल हम टारगेट कर सकते हैं, यहां से ब्रेकआउट मिलने पर सेकंड लेवल भी टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हम लोग इन जोन्स एंड लेवल्स को कैसे यूज करते हैं, आई होप आप लोगों को पता ही हो। चलिए, तो ये था आपका निफ्टी का प्लान। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी में, हमारा बैंक निफ्टी का कल का क्या प्लान हो सकता है। तो यह है आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी से थोड़ा वीक दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में आप देखिए डोजी कैंडल्स बनाई है, जबकि निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था थर्सडे को, और जो कि एक बुलिश मूवमेंट था, और फ्राइडे को भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाइंग के साथ बन रहा, लेकिन पिछले 2 सेशंस में बैंक निफ्टी ने डोजी कैंडल्स बना रहा, इंडिसीजन कैंडल बना रहा, बट कहीं ना कहीं ये कहाँ बना रहा है, सपोर्ट के आसपास। तो देखते हैं सपोर्ट सस्टेन करता है कि नहीं। अभी तक तो सस्टेन किया है, मीन्स पॉसिबिलिटी अच्छी दिख रही है कि सपोर्ट सस्टेन कर जाएगा, जो एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट है डेली चार्ट पर, और ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। अभी मंडे का ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर अच्छी ओपनिंग हुई, वीक ओपनिंग नहीं होना चाहिए, वीक ओपनिंग मीन्स हमारी ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो चलिए चलते हैं 30 मिनट चार्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं हमारा कल का क्या प्लान हो सकता है। ये है आपका बैंक निफ्टी का कल का प्लान, क्या करना है इसमें, सिंपल सा है। जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया, तो 22,570 से लेकर 22,670 का ये जो 100 पॉइंट्स है, यहाँ पर आपको प्राइस को वॉच करना है, और ये आपका जो ट्रिगर जोन है, आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा इंट्राडे में कल के लिए। अगर प्राइस जोन से ऊपर जाता है तो आप 23,050 एंड 23,400 के लेवल टारगेट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड आप अगर प्राइस जोन से नीचे रहता है या फिर जोन से रिजेक्ट होकर नीचे आता है, तो 22,200 एंड 21,860 के लेवल टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका बैंक निफ्टी का प्लान, काफी सिंपल है। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स है, आपका जो जोन है वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, जहां जिसे आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं कल के लिए। ओके, चलिए चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे। तो आपका जो पहला स्टॉक है वो कौन सा है, मणप्पुरम में क्या है, देखिए आप स्ट्रांग मोमेंटम आया है यहाँ पर, बढ़िया मोमेंटम है, और क्या है कि क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दी है, नियर डे हाई। तो क्या कर सकते हैं हम लोग मणप्पुरम में, आप 156 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो आप क्या करना है, रश करके ट्रेड नहीं लेना है। क्या करना है, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करें, जैसे ब्रेकआउट हो गया एक तरह से, आप इसको ब्रेकआउट में ऊपर के टारगेट 163 टारगेट कर सकते हैं, लेकिन प्राइस को सस्टेन करने दो पहले। ऐसा नहीं कि खुलते अगर 156 से नीचे चले गया फिर भी आप बाई ले रहे हो तो वो एक गलत ट्रेड हो जाएगा। तो प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। एक पुल बैक आने के बाद भी अगर आपको यहाँ बाइंग इस लेवल के ऊपर रहता है प्राइस और बाइंग देखने को मिलती है, तो आप इन लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं, जो कि 160 163। आपका जो नेक्स्ट स्टॉक हो जाता है वो है टीवीएस मोटर्स। तो टीवीएस मोटर में क्या करना है, सेम अगर आप देखेंगे टीवीएस मोटर में एक अच्छा मोमेंटम आया है, हायर राइज बनाया जा रहा है, और एक काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, उस रेंज को भी ब्रेकआउट कर चुका है और ऑलमोस्ट उस रेंज के अपर बाउंड्री पर क्लोजिंग दिया है। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर प्राइस 145
0.5 से ऊपर सस्टेन करता है, ओके, एटलीस्ट फॉर 3 to 5 मिनट, देन हम बाइंग प्लान कर सकते हैं 451 एंड 455 के लेवल्स के लिए। तो ये था आपका टीवीएस मोटर का प्लान। और अभी क्या है मार्केट में न्यूज़ वगैरह चल रहा है, तो थोड़ा क्या कीजिए, आपके जो भी अगर मल्टीपल टारगेट्स है तो आप क्या कीजिए, पहला टारगेट अच्छे होने पर ट्रेल कीजिए, ट्रेलिंग की थोड़ी आदत डाल लो, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी एक अच्छा प्रॉफिट यू नो चला ना जाए, या फिर एक प्रॉफिटेबल पोजीशन आपकी लॉस में ना चली जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट में न्यूज़ है, अभी इंडिया चाइना का न्यूज़ चल रहा है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रख के हमें ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों ये था आपका कल का प्लान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ट्रेडर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।